अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं दिल से वचन निभाऊंगी माँ, वादा किया है उसे निभाऊंगी। अगर मैंने तेरा राजपीपला में रहना ना छुड़वाया और पापा के हाथों तुझे इस घर से बाहर नहीं निकलवाया ने, तो मेरा नाम भी प्रेम सिंह राठौड़ नहीं। तेजस्विनी सच में एक अच्छी लड़की है। घर से क्या चली गई? रौनक ही चली गई। पापा, कितना खाली खाली लग रहा है ये घर। मैं नीचे ही आ रहा था। रोज सुबह आती थी और मेरे आशीर्वाद लेती थी। कहती थी, काका नाश्ता किया? दवाई भी लेनी है आपको। इस घर में एक बेटी की कमी थी जो इस बच्ची ने पूरी कर दी थी। ये परख उसकी झलक देखकर कर सकता हूं मैं। ये लड़की खरा सोना है, खरा सोना। जाते जाते हमारे बीच का तनाव, सारी गलत फहमियां दूर करके गई। अपनी पढ़ाई छोड़कर जा रही थी, फिर भी उसने हमारे परिवार के बारे में सोचा। आज अगर तेजस्विनी नहीं होती ना बेटा, तो हम दोनों के बीच में गलत फहमियां और बढ़ गई होती। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगा तू ही गलत है। तेजस्विनी और तेरे बीच के खिंचाव के पहले से ही मैं जानता हूं कि तू तेरे पापा का बिगड़ा हुआ बेटा है, और ये बात हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। पापा, आज तक मेरी जिन हरकतों की वजह से आपको जरा भी तकलीफ पहुंची, उन सभी गलतियों के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। पापा, इन सभी गलतियों के बावजूद एक आखिरी बार अगर आप मुझ पर फिर से यकीन कर सके, तो मैं आपसे वादा करता हूं पापा, आज के बाद मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपके दिल को जरा भी ठेस पहुंचे। अब देखना, बहुत जल्द मैं अपने पापा का बिगड़ा बेटा नहीं बल्कि जिम्मेदार बेटा बनके दिखाऊंगा, जिस पर आपको बहुत गर्व होगा। बातों से ही पेट भर देंगे तो तेरी मां नाराज हो जाएगी। चल नीचे नाश्ता करने। जी पापा, वो अगर आप तेजस्विनी को याद कर रहे थे तो आप तेजस्विनी से एक बार बात कर लीजिए। नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वो किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी चाहती है, लेकिन मैं अम्मे माँ से प्रार्थना जरूर करूंगा वो जहां भी रहे खुश रहे। चल आ जा। करने से कोई फायदा नहीं है, अपने भाई को समझो। वो मेरे खिलाफ इसीलिए है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। हर बात पर लड़ाई करने से अच्छा है वो लड़ाई लड़ो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इतना बिजी हो गया है तू, जब अपने भाई से घर पर नहीं कॉलेज में आके मिलेगा। सुना, से बाद में बात करता हूँ, ठीक है? नहीं प्रेम भाई, वो क्या हद है यार,
सुबह माँ नाश्ते पे तेरा इंतजार कर रही थी, अरे तेरी मनपसंद खांड भी बनाई थी और तू यहाँ। ये प्रेम भाई सुबह सुबह इतना प्यार। अरे क्या सोच रहा है? नहीं, वो काफी दिनों से आपकी डांट सुनने की आदत हो गई थी ना, इसलिए। कहिए ना प्रेम भाई। अर्जुन, मैं गलत था। क्या प्रेम भाई, आप ऐसा क्यों? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुझसे ज्यादा गलती मेरी थी। माना तुझसे 2-3 बार गलतियां हुई, पर वो गलतियां तो तूने मेरे लिए की ना, अपने प्रेम भाई के लिए। लेकिन तेरी गलती का कारण समझे बिना तुझे बिल्कुल माफ ना करना, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी प्रेम भाई। आप नहीं अर्जुन, आज बोल लेने दे मुझे। तुझसे बात किए बिना, तुझे समझे बिना, तुझ पर चिल्लाया, गुस्सा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। तूने तो एक छोटा भाई होने का फर्ज निभाया ना, पर मैं एक बड़े भाई होने का फर्ज नहीं निभा सका अर्जुन। ऐसा मत कहो प्रेम भाई, आप सबसे अच्छे बड़े भाई हो। नहीं अर्जुन, अगर अच्छा होता तो पापा को मेरी वजह से इतना दुख कभी नहीं पहुंचता। आज माँ मेरी वजह से इतना शर्मिंदा नहीं होती और तुझे मेरे प्यार में पड़कर वो नहीं करना पड़ता जो तूने किया। अर्जुन, जाने अनजाने में कहीं ना कहीं मेरी वजह से सबको बहुत दुख पहुंचा है। आप सबसे अच्छे बड़े भाई हो। अर्जुन, एक बात हमेशा याद रखना, हम सब राठौड़ खानदान की नींव है और जब तक हम एक साथ हैं इस नींव को कोई नहीं हिला सकता। हमारा साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ प्रेम भाई, हम हमेशा एक ही रहेंगे। अपना ख्याल रखना। आप भी। तेजस्वी, तेजस्वी यही है। तेजस्वी 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 सुनो तेजस्वी। यस सॉरी। भगवान तेरा थैंकू, तेजस्विनी वापस आ गई है। अच्छा मौका है प्रेम, थैंक यू बोलने का।
तेजस्विनी की वजह से मेरी और मेरे पापा की दोनों की गलतफहमियां दूर हो गई। हाँ, पहले थैंक यू बोलता हूँ। नहीं 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 नहीं, थैंक यू नहीं, पहले सॉरी बोलता हूँ। मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई ना इसे, सॉरी बोलता हूँ। नहीं नहीं सॉरी नहीं सॉरी नहीं सॉरी नहीं, पहले काकी के बारे में पूछता हूँ। सबसे पहले काकी के बारे में पूछता हूँ कि वो कैसी है, कि वो अभी तक गुस्सा है या ठीक हो गई। हाँ ये सही है, तो पहले थैंक यू, फिर काकी के बारे में पूछूंगा, फिर सॉरी। सॉरी क्यों? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे आप किससे बात कर रहे थे? तू? हाँ हम तो यहीं खड़े थे, लेकिन आपके सामने तो कोई नहीं है। अरे अभी तो वो इधर ही थी ना। कौन वो? अरे हम तो वहां से आपको तब से देख रहे हैं, यहाँ तो कोई नहीं था। आपको ये बताने आया था कि प्रिंसिपल सर ने आपको बुलाया है। ये क्या हो रहा है? सुबह से मुझे तेजस्विनी दिखाई दे रही है, पन वो कहीं है नहीं। बेटा MBA कोर्स से अपना नाम रद्द करवा के मुझे नहीं लग रहा है कि तुम सही कर रहे हो। सर वैसे भी ये पढ़ाई मेरे समझ में नहीं आती। पर बेटा इस बार अगर मेहनत करके इस कोर्स को पूरा करोगे तो सोचो तुम्हारे पिताजी को कितनी खुशी होगी। सर जब स्कूल की पढ़ाई मैंने बहुत मुश्किल से पूरी की है तो फिर इस MBA कोर्स में तो मैं फेल ही हो जाऊंगा। अरे बेटा बिना कोशिश किए ही हार मान गए, कोशिश तो करो। तुम्हें मेहनत करता देख के सोचो तुम्हारे पिताजी कितने खुश होंगे। ठीक है सर, राठौड़ खानदान का खून, कोशिश तो करूंगा ही। चलता हूं। तेजस्विनी यही है? नहीं। तेरी आवाज है? तू यही है? अरे अरे ये तेजस्विनी है ना? हाँ ये तेजस्विनी है ना? तेजस्विनी तुम अंकलेश्वर नहीं गई?
अच्छा है तुम यहीं हो। फिलहाल मुझे प्रिंसिपल सर से बात करनी है। एक्सक्यूज मी। अरे मैं भी तो वहीं से ही आ रहा हूँ। अरे ये अच्छा है कि तुम राजपीपला में ही हो। तेजस्वी एक मिनट, दरअसल मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मैं तुझसे कहना चाहता था क्योंकि दरअसल मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मैं तुझसे कहना चाहता था क्योंकि वादा कर कि अब से तू धर्म सिंह राठौर के खानदान से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। वो मैं तुमसे कहना चाहता रुक था। जाओ, तुम कुछ कहो, उससे पहले मुझे कुछ कहना है। अब तक जो हुआ वो हुआ। अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ तुमसे। उसे भूल जाओ प्रेम, और आगे ऐसा कुछ ना हो इसीलिए बेहतर होगा कि हम आपस में बात ना करें और एक दूसरे से जितनी दूरी बनाकर रखें उतना अच्छा होगा। रश्मि मैं तुझसे ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और इस दिन पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो तुमने भी देखा। बहुत मिन्नतें करके मुश्किल से माँ ने मुझे यहाँ रहकर पढ़ाई पूरी करने की परमिशन दी है और अब मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे और प्रॉब्लम्स खड़ी हों। एकदम सही कर रही है तेजस्विनी, मोटा बहन को दिया हुआ वचन निभा रही है। आज से ना हम दोनों दुश्मन हैं ना दोस्त, सिर्फ दो स्टूडेंट्स हैं जो एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं बस। हम एक दूसरे के लिए सिर्फ अजनबी हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। रेणु, उर्मी, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। पक्का? तुम्हें हम दोनों से बात करनी है? हाँ, तेजस्विनी के बारे में। तेजस्विनी ने तुम लोगों से कोई बात की? हाँ? क्या वो यहीं रहकर पढ़ाई करेगी अब? हाँ, उसने ज्यादा कुछ तो कहा नहीं, पर वो हमारे साथ हॉस्टल में रह रही है। जब से हॉस्टल में आई है अपने पढ़ाई में ही बिजी है, पहले जैसे कुछ और करती थी। अच्छा हम चलते हैं। चल। तेजस्विनी वापस आकर हॉस्टल में रह रही है, पन घर पर नहीं आई, नहीं बताया कि वो यहाँ है। क्यों बताएगी? जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ तो उसे ही हुई ना, वो भी मेरी बेवकूफी की वजह से। मैंने तुम्हें पहले घर से बाहर निकालना चाहा, पन अब मैं ही तुम्हें घर में वापस लाऊंगा। यहीं बैठ जा मेरे साथ, क्लास के बाद मैं अपने नोट्स दे दूंगी, कॉपी कर लेना। ओके? गुड आफ्टरनून किड्स, आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग। Thank you.
कैसी लग रही है तेजस्विनी? सरस। मैं जानता हूं तू उससे बात करना चाहता है ना, पर उससे बात करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो भी तेरी तरह बिल्कुल जिद्दी और अपनी बात पर अड़ी रहने वाली है। देख, वो तेरी वजह से घर चली गई है। तुझे सिर्फ उससे बात करने के लिए अलग तरीके से सोचना होगा। तेजस्विनी मेरी वजह से घर छोड़ के गई है ना, तो अब मैं ही उसके घर वापस लाने की वजह बनूंगा।